अच्छा, ओवैसी पटना आते हैं और वो कहते हैं कि पप्पू यादव अगर चाहते हैं कि उनके दल के साथ गठबंधन हो तो प्रपोजल दें, वो तैयार हैं। शुक्रिया ओवैसी जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर वोटिंग का जो डेट है, चुनाव का जो डेट है, वो चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। 28 अक्टूबर को पहला होगा और 10 नवंबर को जो है बिहार के अंदर ये पता चल जाएगा कि बिहार के गद्दी पर, बिहार के सर पर किसका ताज होगा। यानी कि हम बात कर रहा हूँ कि जब रिजल्ट का, चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कौन जीतेगी, क्या RJD या महागठबंधन या फिर कांग्रेस या फिर NDA या फिर AIM या फिर दूसरी पार्टियां, ये सारी चीज़ें खैर वक्त पर हमें पता चल जाएगा। लेकिन बात करते हैं अभी फ़िलहाल बिहार का स्टेटस जो है वो AIM जो है वो एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, देवेंद्र यादव के पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है। जबकि उन्होंने पप्पू यादव को भी कहा है कि वो आप हमारे साथ आकर मिल जाए। इसके जवाब में क्या कहा पप्पू यादव ने, आइए इस वीडियो के आखिर में मैं उनका क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन क्या कहा जवाब में ये पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हम अगर बिहार के अंदर, बिहार से अगर NDA को उखाड़ कर फेंकना है, अगर BJP को हटाना है, अगर JDU को उखाड़ कर फेंकना है, तो भाई जो है ना सबको एक साथ आना होगा। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना था। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि महागठबंधन भी अगर हमारे साथ आ जाए तो और भी ज़्यादा होगा और आसानी के साथ हम हरा सकते हैं, उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ये बात अलग है, उन्होंने कहा था कि हम तेजस्वी यादव को नहीं जानते, लेकिन उनके जो पिता है, उनके जो फादर है या लालू यादव, उनके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं क्योंकि संसद में दोनों की काफ़ी ज़्यादा मुलाकात है या दोनों के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे रह चुके थे। लेकिन बात करते हैं पप्पू यादव के बारे में क्या कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि पप्पू यादव से भी मेरा रिक्वेस्ट है, उनके कार्यकर्ताओं से मेरा रिक्वेस्ट है, उनके पार्टी के मेम्बर से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी MIM के साथ देंगे तो बिहार के अंदर एक मजबूती के साथ जो है NDA को हरा सकते हैं। तो उनके जवाब में क्या कहा पप्पू यादव ने, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशल थैंक जो कहे वो उन्होंने कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने कि गठबंधन के लिए एक दावत दी, रिक्वेस्ट किया। लेकिन क्या कहा उन्होंने, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो है हम अभी फ़िलहाल गठबंधन जो है वो हम अपने लोगों पर छोड़ रहे हैं, यानी कि हम पहले राय लेंगे लोगों से, हम नौजवानों से स्पेशली राय लेने वाले हैं और अगर नौजवान इसके बात के ऊपर एग्री करते हैं, बिहार की जनता इस बात पर एग्री करते हैं कि अगर के उनके साथ गठबंधन किया जाए तो हम अवश्य करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन। लेकिन राय कैसे लेंगे, ये बात भी बहुत सारे लोगों को जानने की ख्वाहिश थी कि कैसे राय लेंगे। बेसिकली एक हलफनामा जारी किया है और उसके अंदर बड़े बड़े वादे किए हैं, स्कूटर और बाइक, एजुकेशन, रोजगार, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एक पत्र, घोषणा पत्र जारी किया है कि बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाएंगे, बिहार के अंदर रोजगार दिलाएंगे, बिहार के अंदर ये करेंगे, ये। खैर ये सब अपना अपना लीडर का जो है एक जो है वो स्ट्रेटजी होता है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें क्या है, उनका कुल मिलाकर ये कहना था कि बिहार के आवाम से राय लेंगे और कब कैसे लेंगे राय, क्या लेंगे, ये खैर नहीं पता, वो तो वही जाने कैसे लेंगे, क्या सर्वे करके लेंगे या फिर लोग एक टीम के जरिए से पूछताछ होगी या फिर अपने लोगों को आपस में मशवरा करके। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि उन्होंने कहा है कि हम हाँ अगर कि करना पड़े गठबंधन तो हम करेंगे, लेकिन पहले जो है हम राय लेंगे। अब देखते हैं कि क्या सही माने में गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, खैर ये तो खैर बात की बात है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही बिहार का चुनाव डेट घोषणा हुआ, जैसे ही इलेक्शन का जो डेट है, वोटिंग का जो डेट है वो जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, तो बिहार के अंदर जो दारुल ईमान है किशनगंज के अंदर जो इनका ऑफिस है अख्तरुल ईमान साहब का, जो कि AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका जो मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पर एक लाइनें लग गई। लाइनें क्यों लग गई, बेसिकली एक जो नोटिस जारी किया था कि भाई जो भी इलेक्शन के अंदर, बिहार के अंदर चुनाव के किसी भी विधानसभा से अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आप अपना बायोडाटा जो है वो सबमिट कर दें 2500 रुपीज़ के साथ। बस क्या था, चुनाव आयोग चुनाव का डेट जारी हुआ और उसके बाद जो है चाहे वो राशिद अनवर साहब अररिया के हो, चाहे वो जो कि आठ के मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुमार चतुर्वेदी हो या फिर दूसरे जो विधानसभा के हैं, वो उन लोगों ने अपना बायोडाटा जो है वहाँ पर सबमिट किया, जारी किया अपने कुछ लोगों के साथ, कुछ अपने चहेतों के साथ, मेन ऑफिस में जाकर, हेड ऑफिस में जाकर। तो इस तरीके से जो है कुल मिलाकर अब
अब जो है काम और अब जो है जोरों शोरों पर होगा काम, और अब देखना होगा कौन सी पार्टी कितने खूबसूरती के साथ, कितने अकलमंदी के साथ यहाँ से जो है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करते हैं। जो जितना प्लानिंग बेहतर करेंगे उन्हीं का उतना हवा होगा, और जिसकी हवा होगा भाई जीत उसी की होगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हैं अभी फिलहाल बिहार के अंदर। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय।